अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फारूक एसएफएफ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं एवन धाबड़ी, जो तकरीबन 10 साल से शौक करते आए हैं सलीम भाई, और इनकी सारी डिटेल हम देने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, चलिए हम बात करते हैं सलीम भाई से और इनकी सारी डिटेल आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, आपका इंटरटेनमेंट कराने की कोशिश करते हैं, और आपके शौक के लिए हम बहुत सारे वीडियो बनाते हैं। और आप वीडियो जब पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलीम भाई, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे सलीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह फारूक भाई। सबसे पहले सलीम भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप अपना कीमती टाइम निकाल के हमें बुलाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा सलीम भाई, और रही दूसरी बात, अपनी ये धाबड़ी का नाम सबसे पहले बता दीजिए आप। मेरी धाबड़ी का नाम है एवन धाबड़ी। एवन धाबड़ी। तो सलीम भाई, और एक दूसरी बात ये है कि आप जो ये शौक कर रहे हैं, ये कितने साल से कर रहे हैं सलीम भैया? लगभग 8-9 साल से। 8-9 साल से शौक कर रहे हैं जी। अच्छा, ये शौक के साथ आप कुछ दूसरा भी कर रहे हैं? शौक के साथ छोटा मोटा कारोबार है हमारा, वही। अच्छा, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी कि आपको 8-10 साल से ये शौक है जी, जी। ये शौक जो आप खुद करते हैं या कोई आपके दोस्त यानी कि आपके उस्ताद कोई और दूसरे भी है? मेरे उस्ताद भी है, जियाउल्लाह बोल के। अच्छा माशाल्लाह, वही हमारे सब कुछ है ये शौक में। अच्छा, और वही बात, हमारे बहुत सारे दोस्त लोग भी हैं, इधर भी हैं, बहुत सारे बाहर भी हैं। अरे, मोहल्ले में बहुत सारे लोग पाले थे। अच्छा, जैसे कि अबोड़ा बोल के थे, बहुत बड़े नामदार आदमी हैं वो भी हमारे गुदड़ली के। अच्छा माशाल्लाह। सीखे, और रही बात दूसरी, और हमारे वसीम भाई करके बोल के हैं, उनको गोरा वसीम करके बुलाते हैं। अच्छा अच्छा, उनकी पहचान गोरे वसीम से है, नाम है उनका। तो उनसे भी देखे हम, और बहुत सारे लोग हैं। अब बाद में स्टोव वाले अल्ताफ भाई, अभी तो वो शौक में नहीं है। अच्छा, लेकिन उनसे भी बहुत सारे देख के हम, यानी कि आप लोग इंकरेजमेंट हुई आपको, यानी कि शौक सीखे आप, यानी कि आप, यानी कि वो देखने के बाद आपको भी शौक पैदा हो गया। बिल्कुल। तो उसके बाद आप भी अपना शौक बढ़ाना शुरू कर दिए। तो अभी आप कुछ टूर्नामेंट भी खेल, यानी कि उड़ाए हुए हैं अपने कबूतर? हाँ जी, उड़ा के हूँ मैं। पहले टूर्नामेंट 8.5 घंटे रामाना बोल के एक टूर्नामेंट चला रहे थे गुड़धड़ी में, उनके टूर्नामेंट में, फर्स्ट टूर्नामेंट में 8 ओवर 30 पर 1 मिनट उड़ाया हूँ मैं। अच्छा, रामन्ना जो गुड़धड़ी में है उनके जी। पास आप 8 ओवर आपका कबूतर उड़ा हुआ है। 8 ओवर 30 तो 30 पर 1। अच्छा, 30 पर 1 मिनट। तो और दूसरे कौन से कबूतर आपके उड़े हुए हैं? और तब तक उसके बाद में तो मैंने उड़ाया नहीं, जगह नहीं थी के कारण, थोड़े प्रॉब्लम्स की वजह से आप नहीं। अभी इस जगह में सेट हुए हैं जी, इंशाल्लाह इस बार इसके बाद में छोड़ूंगा। अच्छा, तो अभी जो आपका जो कबूतर वो उड़ा था, यानी कि आप जो टूर्नामेंट खेला हुआ कबूतर है, वो कौन सी ब्रीड में है, कौन सी जात में है? मक्षी में था। मक्षी तिरवाल या सिर्फ मक्षी? मक्षी। तो अभी आपके पास वो अवेलेबल है? नहीं है, दूसरे के पास है, मैं दूसरे को दे दिया हूँ। अच्छा, तो मेरे पास दूसरे भी हैं। अच्छा, आपकी जो होम ब्रीड, आप तकरीबन 10 साल या 12 साल से आपके पास जो होम ब्रीड है, आप बोले थे कि वो होम ब्रीड मेरे पास अवेलेबल है, तो क्या वो अभी आपके पास है यहाँ पे? जी बिल्कुल है। सलीम भाई, वो बता सकते हैं आप थोड़ा सा? अच्छा माशाल्लाह, ये कौन सा है? ये हमारा रेखदार है। अच्छा, रेखदार है ये। तो ये जो आपके पास टूर्नामेंट खेला हुआ, ये इस, यही है, बच्चे लोग खेले हुए? अच्छा, इसके बच्चे हैं वो, माशाल्लाह देख सकते हैं। थोड़ा सा इसकी आईज भी देख लेंगे ऐसे। सलीम भाई, ये रेखदार बोले ना आप? जी माशाल्लाह, इसके थोड़ा सा आईज कवर करेंगे हम। बता दीजिए थोड़ा सा, हम देखेंगे। चलिए सलीम भाई, दूसरा दिखाइए आप, और जो आपके पास दूसरा वाला है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये फीमेल है या मेल है? मेल है ये भी। ये भी मेल है, माशाल्लाह काफ़ी शानदार है सलीम भाई। ये भी रेखदारी है ना? जी ये भी रेखदारी है। अच्छा माशाल्लाह, तो आपके पास होम ब्रीड है, आपके पास ज़्यादा होम ब्रीड बना रहे हैं अभी आप। तो अभी जो आप इसके जो पट्टे थे आप दूसरों को भी दिए हुए हैं ना? जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह, चलिए, तो वो भी टूर्नामेंट खेले हुए हैं वो दूसरे, जिसको आप दिए हुए हैं वो भी सभी टूर्नामेंट खेले हुए हैं। माशाल्लाह, चलिए, और कौन सा है ज़रा बता दीजिए। एक मिनट, उसके आंख देख लेंगे। आंख कैसी है सलीम भाई? ये माशाल्लाह, इसकी जो आंख की रिंग भी बहुत अच्छी है। अच्छा, जो ये रिंग वाला कबूतर भी माशाल्लाह, बहुत सारे कबूतरबाज लोग भी बहुत पसंद करते हैं इस जैसे जो रिंग के कबूतर। हाँ, और इसकी उड़ान भी बहुत सारी लंबी होती है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, और हर बास कबूतर भी उसको पसंद करता है। ठीक है दीजिए, और जो है कुछ बोले थे ना, बताइए।
ये मेरी उस्ताद की निशानी है माशाल्लाह। ये हमारे जियाउल्लाह भाई बोल के वो उस्ताद ने हमें निशानी दी थी, गिफ्ट किए थे माशाल्लाह, बहुत शानदार। ऐसे कबूतरों ने गिफ्ट किए हैं। अच्छा, जो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी जो गुड रिजल्ट आया है जी। अभी ये भी रेगदारी है, ये धुमा है, धुमा है, अच्छा कल धुमा बोलते हैं, कल धुमा है, अच्छा माशाल्लाह। ये सब हमारे उस्ताद की बहुत सारी सिलेक्शन चीज़ है। हाँ, तो ये बहुत नाम किए हुए कबूतर हैं जो अभी आपके पास अवेलेबल हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार है। तो मैं तो तारीफ़ नहीं करूँगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि सलीम भाई के उस्ताद गिफ्ट किए हुए हैं। माशाल्लाह काफ़ी शानदार मेल है ना, ये मेल है ना सलीम भाई? हाँ, ये कल धुमा है, इसको अच्छा, हम कल धुमा कहते हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो जितने भी सारे हैं ये हमारे उस्ताद के सिलेक्शन है। अच्छा, तो ये काफी नाम किए हुए कबूतर है और दूसरों को जिसको गिफ्ट किए हैं वो वहाँ पर उड़ा रहे हैं, टूर्नामेंट में जीते हुए हैं, है ना माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आप लोग ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइए ये सलीम भाई की जो सिलेक्शन है और उनके उस्ताद की जो जियाउल्लाह साहब जो उनको गिफ्ट किए हैं, ये जानवर कैसे हैं, ये परिंदे आपको कैसे लगे, ये पिजन्स, आप ज़रूर हमें एक कमेंट्स में बताइए। इंशाल्लाह हम आपके कमेंट्स के इंतज़ार में हैं। तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेते लेते सारा टाइम गुजर जाएगा, लेकिन कबूतर ख़त्म नहीं होंगे, सलीम भाई के पास बहुत सारे हैं। इंशाल्लाह हम हर वीक में एक दो वीडियो कैसे भी अपलोड करते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जियाउल्लाह साहब जो सलीम भाई के उस्ताद हैं उनके साथ भी एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो सलीम भाई दूसरे भी देख लेंगे, है ना, अंदर जाके? ठीक है, चलिए सलीम भाई। तो यहाँ से शुरू करेंगे सलीम भाई, ये कौन से हैं, ये आपके पूरे घर के ब्रीड के? माशाल्लाह, ये कौन सा है? ये वाइट वाला जो है कल्दुमा है, वो वाइट वाला तारा है, ये हमारे उस्ताद के घर के हैं कबूतर। अच्छा, चलिए इधर भी देख लेंगे, ब्रीड तो अच्छी जमाए हैं आप। ये कौन से है? ये जो पहले आपने देखे थे रेगदार? अच्छा, वही है, उसके पोता है। अच्छा माशाल्लाह, वैसे तो मैं पूरे कवर कर लूंगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट में एक एक करके इसका हम वीडियो बनाएंगे, है ना? इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए ये भी दिखा दीजिए, थोड़ा देख लेंगे। फारूक भाई आपको दिखाया था ना पहले जो जी, बड़ा रेगदार बोल के जी, इसका पोतरा है ये, माशाल्लाह होम ब्रीड है ये, माशाल्लाह बहुत ही शानदार है। ये भी वही है ना? कोई किरावल है? अच्छा, सब्जा किरावल। माशाल्लाह बहुत शानदार है। इसकी पूरी फैमिली है क्या ये नीचे? अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहन लोग है, अच्छा भाई लोग है। अच्छा, पूरी फैमिली है ये? जो सभी है। ठीक है, इधर खोल दीजिए, थोड़ा सा उसको डन कर दीजिए आप। ये भी सभी होम ब्रीड के हैं? होम ब्रीड है ये। अच्छा माशाल्लाह, पूरे घर के पट्टे, पूरे रेगदार है ना? बेटा है पूरे रेगदार का बेटा ही है ये भी। अच्छा, चलिए हमें एक एक की एक एक बार वीडियो बना बना के डालेंगे, शौक कराएंगे, बहुत सारे लोगों को इसका शौक करवाना है, और भी बहुत सारे जो आपके उस्ताद वगैरह से भी हम मिलेंगे और उनका भी शौक करवाएंगे। तो सलीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप जो आप अपना कीमती वक्त हमें दिए। इंशाल्लाह ऐसे ही आपके हम बहुत वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सलीम भाई के कबूतर हैं इंशाल्लाह बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही अच्छे कबूतर हैं। आप लोगों को कैसे लगे आप ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए। इंशाल्लाह हम आपके कमेंट्स के इंतज़ार में हैं और नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई, अल्लाह हाफिज़।